वीना, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपका ज्यादा हम वेस्टर्न आपके पहनावे देखते हैं, ईस्टर्न से आपको क्या चिढ़ है या एलर्जी है? लाला, मैंने कितनी दफा सलवार कमीज पहना है, पंजाबी। आपके इस अटायर को देख के मुझे एक शेर याद आ रहा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से टूटा फूल जमीन पर गिरा और टूट गया। कांच का फूल था। मैं ये हैरान हूँ कि आप लाला के साथ लगी हुई हैं, सेगमेंट बर्बाद हो रहा है हमारा। काशफ जरिया लग रहा, गरीब कर दी तो थी। लाले का किताब दा एक सफा पढ़ के कहना बकाया कल सही। सरदार साहब, मैंने आपको मना किया था ना, बैन वाले गले मत पहना करें। बैन वाले गले पे बंदा जरा सोबर लगता है और हाँ। इस तरह की शर्ट पे बंदा गोबर लगता है। सरदार साहब की ताड़ी जिंदगी तुसी इंज भी नहीं कर सकते। इस सारे आपकी गर्दन के पीछे क्यों पड़े हैं, आप कटवा ही दें। अच्छा सरदार साहब, एक वैसे ट्रिक है, हो सकती है थोड़ी लंबी। डेली उठ के आपने सुबह फांसी लिया करा। सरदार साहब वर्गा बंदा नाई को जाके कहना मेरी गर्दन तो वाल ला दे, उन्हें इतों लाते ने। पाई दी कमर ते गया, मैं फुल पाई देने, कहता उस मैं लैके ना शर्ट पाती थी। गिली मिट्टी च किन्ने घसुन मारी है ना, यहोजा मूँह बनता। उर्दू फिल्म ची दुखी भैन की बस नहीं। आज कोई सवाल नहीं कर रहे तो नहीं, आप लोग एक दूसरे को जो बातें लगा रहे हैं। सरदार साहब, तुसी तो किसी को ये भी नहीं कह सकते मेरी धौण विच आ गई। यार इतनी खूबसूरत गर्दन उन्होंने, क्यों ऐसी गल कर रहे हो? रहने दे, तू फेवर ना कर, तू भी कोई बकवास ही करनी पता। अच्छा वीना जी, तुसी आज दसो कोट के थले कौन नेकलेस पाता है? लड़कियां? हाँ। नहीं, कोट के नीचे तो नहीं। अच्छा जर, इतने महीनों से मैं आपको शो में देख रही हूँ, आपको तो फैशन का दूर दूर से भी कोई लेना। पिंडा देखो, पेडीकोर करन चला गया जी। उन्होंने जो पिंडा वेख्या, उन्होंने मछलियां कट के पानी च कुत्ते छड़ दिए। अचानक तेज बारिश आ जाए, तो यह बंदा छाते रो रहा होता, ओए मंजियां सारे ला लिया, मैनू थले किन्ने लाना है। सरदार साहब एक बात बताऊं? बताओ तो सही। आपको अगर दिल चाहे ना मुझे कुछ भी बनना है, तो आप सिर्फ प्रॉम्प्ट करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो आपको वैसे ही बना देगा। बट लेट्स सपोज मुझे ऊंट बना दें, मुझे कछुआ बना दें। तू भी उन्होंने प्रोडक्ट है। हार वाला हार एक बंदे ने पाया, कहना गर्दन छोटी मोडिया दे पा दे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि हम लोग किसी दिन मैंगो पार्टी करें। आम जैसा फ्रूट वैसे कोई है नहीं। वाह, तभी तो फलों का बादशाह कहते हैं। लेकिन एक मुझे गिला है। क्या? जो अच्छी क्वालिटी का मैंगो होता है वो बाहर चला जाता है, यहाँ पे तो नसीब ही नहीं होता। एक गिले वाली गल नहीं, अच्छा फ्रूट बाहर चल जाता जी, अच्छी सब्जी बाहर चल जाती है, अच्छे स्किल्ड लोग बाहर चले जाते हैं। साडे को आ जाके एहो जी ब्यूटी पाई दी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे छतरी चाहिए, ब्लैक वाले गॉगल्स चाहिए और शॉर्ट्स में बैठा हुआ मैं यूं सन बाथ ले रहा हूँ। इतनी शदीद गर्मी है लाला, और आप सन बाथ लेंगे? सरदार साहब ने तो अपने कपड़े सारे लपेट लेने ने। क्यों? इतने तो जाना ही नहीं। और सरदार साहब सन बाथ नहीं कर सकते तुसी ना? क्यों? क्योंकि उसके लिए इंज करना पैना। तुसी भी कोई जराफे दे साले नहीं है। सरदार साहब, आप इनकी मैंगो पार्टी में कैसे एंट्री देंगे? मैं नहीं जावांगा जी। नहीं जाएंगे? क्योंकि अक्सर पूल दे उते एक सारा कुछ होता है। हाँ। और यह बंदा पूल च अंब सुट के अंब लैन गए थले मर जाता होगा। ना जाने की एक होर वजह भी, क्या साड़ी टीम दे मेंबर ने मिर्जा साहब जी जी, भी इन्होंने भी उसे पूल च छाल मारनी जिथे असी मार। मिर्जे ने जो छाल मारनी तत्ता सरिया नहीं जिम्मे होंगे उंज की आवाज आनी। अच्छा फारिया, सब पार्टी इंजॉय करें, तुम कोने में उदास क्यों बैठे? उत्ते भी चोपी बैठेगी। टूटे वाल 12,000 रुपए किलो, 6,000 दे अद्धा किलो, 3,000 दे पाइया पान। अच्छा साड़ी सैलरी जो थोड़े थोड़े पैसे कट के ना इधर दीवार बनवाओ। कहाँ से आप आ गए और क्या करने आए यहाँ पे? मैडम इधरों भी आया हुआ, वाल बेचना। ये सारे इस तरह के लोगों ने ना यहाँ का रास्ता देख लिया। यार किसे मल्ले से जा, तू वाल लाए थे, कितने वाल लेना? ओए पायन, तू ना गल करी। क्यों? इन्हें को मैं पिछले हफ्ते वाल लैके गया वहां। इनसे? इनके तो अपने नहीं है, उन्होंने कहां से दिए? पता नहीं कितों कट्ठे करके आने, मैंने दे दिए थोड़े जे वाल। फिर मैं लैके गया, मैं कंपनी ने जाकर इतने, उन्होंने एक वाल इन्ने को झालर जी कट के बाहर सुट दी। उन्हें कहा नहीं असी लैनी। मैं क्यों? कहते हैं कीड़े मकौड़े। फिर उन्होंने वालों का तुम की किया? मैं फिर जो बचे सन मैं आप ही ला लिया। बालों का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है भाई। पाकिस्तान पांचवां बड़ा मुल्क है जो बाल एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, खासतौर पर चाइना में। तुम्हें इस गल का इलम है कि पाकिस्तान के बंदे अपने वाल क्यों बेच रहे हैं? क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ही मशहूर है कि पाकिस्तान के हर बंदे के बाल कर्जे च फंसे।
अपने वाल भी इस काम ने पाते इस बंदे दे बड़े वड्डे वाल सी एक दिन दिहाड़ी नहीं लगी इन्हें पुट के अपने ही वेचते ने एहो ही गल है तेरे वालिद साहब ने की थी मैं तुम दसा मैं जनाब हर इलाके जाना वा छोटे वड्डे बल्कि पहुंच इलाके हैं लेकिन ये वो इलाका है जहां आप गलत आ गए ये सलोन नहीं है सलोन हाँ। के बाहर जाए हाँ नहीं तो लेंदे थे 12,000 दे तो देंदे कि नहीं दे साडा मसला है असीं इत्थों चाइना भेजने हैं जनाब वाल सबसे बड़ा खरीदार है तो चाइना लेकिन आपको पता है ये जो 10-12,000 पर के जी में बाल खरीदते हैं आगे से 3-4 लाख पर के जी भी बेचते हैं बालों को साफ किया जाता है पैक किया जाता है फिर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है उस डीलर पर डिपेंड करता है वो कैसे बेचता है फिर ये तो $1 बिलियन की इंडस्ट्री है $1 बिलियन की इंडस्ट्री तो है अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए डेली 1 टन बाल तो पाकिस्तान में इकट्ठा होता है और महीने में 30 टन बरामद होता है वैसे सेगमेंट तो इन्होंने मेरा खराब कर दिया है मिर्जा साहब आपका फायदा हो जाएगा विक का ऑर्डर दे दे इन्हें मेरे बचपन से जी एडेड वाल सी कुंडला वाले और मीना घर वाले परेशान रहे ने क्यों इन्हू घर रखना है कि ख्वाजा सरावां नू देना है इन्हां दी जदों मैं महल्ले चो निकलता सा ना मैं इंज करता सा ना वालां नू ते महल्ले च कई औरतां कोठे ते चढ़ के देखदियां सी तो अब लोग क्या कहते हैं हुण की कहणा है हुण ते चट्टू बट्टे वरगा सिर हो गया हुंदा जदों महल्ले चो लंघदा सी ना जी औरतां मूंह च उंगलां पा लैंदियां सन हाय नी वेखड़िए ते वाल किड्डे सोहणे ने किते मूंह सोहणा हुंदा ते किते विआह हो ही जाणा कीन करे वीना जी मैं अपने बालों को देसी घी लगाता था ते तुहाडी खुशकी जिहड़ा कि होरी मार सके ओह कहदा देसी सी और फिर मैं ओले ओले का मुरब्बा खाता था ओले खाते थे आप आमला मेरे ख्याल गलती ना ओले नहीं कि कोले खा बैठा मैं ये हैरान हूँ कि ये बाल खरीदता है तो इसने सबसे पहले अपना सर क्यों नहीं ढांपा तुम वो सहरा हो जो बारिश के बाद भी प्यासा रह जाता यार ये कोई तरीखी आदमी है और ये जो राइटर अद्धा नावल लेके खुदकशी कर लेता है आगे मेरे जहन में नहीं आ रहा जहन में भाई साहब कितनों को पैसा कमा लेते हैं आप मर्द से उसकी तनख्वाह और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती और दरमियाने बंदे से उसका कद नहीं पूछा जाता मले जी के शादी हो गए ना हाँ। मिर्जे वर के बंदे लाज भी ना लेके जाते वजह आतिशबाजी को चलवाते ने वैसे मुझे एक बात कभी समझ नहीं आई कि लोग तो बड़े पोजेसिव होते हैं ना अपने बालों के बारे में पता नहीं बेच कैसे देते बिना आप बालों की बात कर रही हैं इस दुनिया में तो लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं। यो जी टीचर पूरी क्लास में इकट्ठे करके कर मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ क्या स्कूल के चौकीदार से मैंने शादी कर ली फारिया तुम क्यों चुप हो तुम डर से बैठी हो कि तुम्हारे बाल काट के ले जाएंगे नहीं ऐसा कोई डर नहीं यो जी कुड़ी शो च इसलिए चुप रहती हूँ घर जाके बहुत बोलना होता है ये यो जी घर जाते हैं दंद कट के रख दें बहुत मुश्किल शो था भैया ਫਾਰਿਆ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਮੱਛਰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੁਗਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਰਿਆ ਬਾਤ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰੋ ਫਾਰਿਆ ਬੋਲੋ ਫਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ